हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की। तो हम पहले समझ रहे हैं यूनिट क्या होता है। आपने ना देखा होगा कि यदि कोई हमसे हमारी हाइट पूछता है तो हम उसे हमारी हाइट बताते हैं 4.3, 4.6, जो भी हाइट हो हमारी। तो यदि हम उससे किसी को यदि हम बोलते हैं कि हमारी जो मेरी जो हाइट है वो 5.5 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5.5 क्या है? किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, 5.5 क्या? तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ में किसी एक वैल्यू का यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिससे हम उसको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि हम देखते हैं किसी चीज को कैलकुलेट किया, किसी का वेट किया, हमने सब्जी लेने गए हम, तो यहाँ पे हमने सब्जी जो ली वो हमने 5 ली। अब 5 यदि बोलते पूछता हमने सब्जी कितनी ली, तो हम बोलेंगे 5। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा 5 ग्राम, किलोग्राम, केजी का यूज करते। ये जो यहाँ पे आप केजी यूज कर रहे हैं इसे ही कहते हैं यूनिट। अब हर चीज को आपने देखा होगा कि हम जब लेंथ को मेजर करते हैं तो हम कभी कभी बोलते हैं फुट का यूज भी करते हैं, सेंटीमीटर का भी करते हैं, मिलीमीटर का भी यूज करते हैं, किलोमीटर का भी यूज करते हैं। तो सब चीजें अपने अपने, सब लोग हर जगह पर यूनिट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं, जहां से यूनिट के माध्यम से वो उन चीजों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि MKS, एक होता है FPS और एक होता है CGS। तो यहां पे हमने केवल 3 चीज लिया है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। हमने अभी तीनों सिस्टम समझे, एक MKS, FPS, CGS। ये जो सिस्टम है ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन इंटरनेशनली रूप से यदि हम देखें, इंटरनेशनल तरीके से यदि हम देखें, तो इन सभी को एक कॉमन रूप देने के लिए, कॉमन फॉर्म देने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसे एसआई यूनिट हम कहते हैं, जिसके अंदर 7 यूनिट ली गई। सेवन जो है ये फंडामेंटल 7 यूनिट है, ये ही 7 फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से हम सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं और लिखते हैं। एसआई यूनिट, यहां पर हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखी हुई है, एक तरफ मेजर्ड क्वांटिटी है, एक तरफ एसआई यूनिट है, एक तरफ सिंबल है। देखिए हमारे पास में ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट जो लिखी हुई है, ये सभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पूरे विश्व में सब जगह पर एक जैसा ही यूज होता है। कहीं पे अभी हमने देखा था, कहीं पर FPS होता है, कहीं पर MKS होता है, CGS होता है। तो ये अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग सिस्टम है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम देखें तो जो लेंथ है, लेंथ को मेजर यदि करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो मीटर में होता है और इसका सिंबल जो है वो एम होता है। यदि आपको मास का मेजर करना है तो मास को हम किलोग्राम में, सिंबल केजी होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बात करें, किसी की 2, 3, 4, तो क्वांटिटी है, यदि नॉर्मल क्वांटिटी है तो वहां पर हम मोल के अंदर उसकी एसआई यूनिट मोल होगी और उसका सिंबल MOL होगा। टाइम को हम सेकंड में, सेकंड के अंदर, सेकंड वाली एसआई यूनिट के अंदर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे और एस जो है उसका सिंबल होगा। इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं।
टेम्परेचर को कैल्विन, ऐसा यूनिट है इसकी कैल्विन, और कैपिटल के से इसको हम डिनोट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो केडेला, केडेला इसकी ऐसा यूनिट है और सिंबल जो है उसका सीडी होगा। अब हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की। हमारे पास में टू सप्लीमेंट्री यूनिट है। मेजर क्वांटिटी जो है वो प्लेन एंगल की, यदि कोई एंगल है प्लेन एंगल है तो उसे आपको मेजर करना है, तो उसकी एसआई यूनिट जो होगी वो रेडियन होगी और इसका सिंबल आर ए डी होगा। सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का मतलब एक बॉल है, बॉल के अंदर का यदि एंगल है तो आप उसको स्टेरेडियन के अंदर यूज करेंगे, स्टेरेडियन उसका ऐसा यूनिट होगा और ऐसा उसकी ऐसा उसका सिंबल है। और ये जो प्लेन एंगल जो है ये किसी सर्कल के अंदर, किसी सर्कल के अंदर यदि आप कोई एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लेन एंगल के लिए रेडियन का यूज करेंगे। और बॉल के अंदर कोई सा एंगल है, बॉल या आप बोल सकते हैं एक स्पेयर टाइप यदि कोई है, स्पेयर के अंदर कोई एंगल मेजर कर रहे हैं तो हम स्टेरेडियन एस आर सिंबल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एरर की। एरर क्या होती है, मिस्टेक जिसको बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में गलती। हमने देखा होगा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलती हो जाती है। एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं याद होता है तो भी गलती हो जाती है। हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। हमने उस वैल्यू को देखा या किसी ने हमको वैल्यू बोली, हमने गलत सुन लिया, हमने उस रीडिंग को गलत पढ़ा, तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हमसे इरर कराती है। तो इरर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इरर इन मेजरमेंट की यदि हम बात करें तो पहली चीज देखते हैं कि इरर क्या होता है। इरर जो है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, मैंने मेरी हाइट को मेजर किया 5.5 पे, लेकिन मेरी जो रियल जो ट्रू वैल्यू जो है वो 5.4 है। यदि यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो मेरी एक्चुअल हाइट है वो और जो मैंने मेजर करी है वो दोनों हाइट के अंदर, दोनों वैल्यू के अंदर जब डिफरेंस आएगा तब उन्हें हम कहते हैं एरर। तो हम बात कर रहे हैं एरर, टाइप ऑफ एरर। सबसे पहला टाइप है सिस्टमैटिक एरर, सेकंड टाइप है ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जो हमें गलती हमें पता होती है, जब हम गलती करते हैं तब हमें पता होती है कि यहाँ पे हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो गलत लिया हुआ है, या मुझे एक्सपेरिमेंट जो है वो करता नहीं आता है, या मैंने देखा गलत है। तो यहाँ पे जितनी भी इस टाइप की जो एरर होगी वो सारी सारी सिस्टमैटिक एरर के अंदर आएगी, कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर उन सारी गलतियों को हमें पहले से ही पता होगा। रैंडम एरर, रैंडम एरर जो है वो कभी भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं होती। जैसे मामला हम किसी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसी ने हमें हमारा हाथ हिला दिया जिससे हमारी जो वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट है वो बिगड़ गया। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और गलती से भूकंप आ गया, तो ये जो एरर है ये आएगा रैंडम एरर में। बात करते हैं हम ग्रॉस एरर की, तो ग्रॉस एरर के अंदर मिस्टेक जो होगी वो हमारी पर्दे में हो सकती है। जैसे हमने कहीं पे 3 लिखा हुआ है, हमने इसे गलती से 8 पढ़ लिया, बनाया इस तरीके से ताकि 3 दिखे और हमने इसको गलती से 8 पढ़ लिया, तो ये जो हमारी है ये ग्रॉस एरर है। हमें इंस्ट्रूमेंट को सेट करना था, हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं किया, ये भी ग्रॉस एरर है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर कुछ टाइप है, सब टाइप दिए हुए हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले
सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर में पहला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जिस नाम से ही आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई गलती है तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट गलत बना हुआ है, वो परफेक्ट नहीं है, तो यहां पे जो हमारी गलती होगी वो कहलाएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। मान लिया कि हमें किसी वाटर का हमें टेम्परेचर चेक करना है। जब हम उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, जिस थर्मामीटर से हम चेक कर रहे हैं, तो थर्मामीटर ही गलत बना हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एरर आएगी वो किसके कारण हुई है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण। दूसरा टाइप है हमारे पास इम्परफेक्शन के साथ, कि मुझे किसी ने कहा है कि आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो जब हमारे बॉडी का फीवर के समय पे जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो टेम्परेचर जब वो चेक करते हैं तब जो थर्मामीटर होता है उसे हमारे बगल में साइड में रखते हैं या फिर मुंह के अंदर रखते हैं। यदि किसी डॉक्टर को इसका एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर चेक करने का नॉलेज नहीं हो और वो केवल आपको थर्मामीटर पकड़ा दे और हाथ से पकड़ ले और बोले आपको बोलेगा कि अब आपका टेम्परेचर चेक करें, तो यहाँ पे जो एरर होगी, यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे जो मिस्टेक है, हम उसे कह सकते हैं वो इम्परफेक्शन के कारण हुई है। किसका इम्परफेक्शन है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति है वो इम्परफेक्शन एरर के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करें पर्सनल एरर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमने किसी चीज को हम देख रहे हैं, मैंने यहां पे आप यदि सामने से यहां पे देखेंगे, ये मैंने एक लाइन, ये हमने दो पॉइंट दे रखे हैं, ये जीरो है और ये वन, और यहां पे एक पॉइंट जो है मेरा ये टू पॉइंट। यदि आप सामने से इसे इस तरीके से देखेंगे तो आपको वन ढका हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यदि हम बात करें मेरी, तो मैंने जब इसको तिरछी नजर से देखा, साइड से देख रहा हूं, तो मुझे ये वन पे नहीं, ये टू पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे जो एरर आएगी, हम किसी चीज को देख गलत रहे हैं, किसी गलत तरीके से हम उसको देख रहे हैं, तब वो हमारा कहलाता है पर्सनल एरर कहलाएगा। तो हमारे तीन पॉइंट है सिस्टमैटिक एरर के, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है, इम्परफेक्शन ऑन एक्सपेरिमेंटल एरर जो हमारे इम्परफेक्शन के कारण हमें याद नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना हमको याद नहीं है उसके कारण जो एरर होती है वो आएगा। थर्ड जो पर्सनल एरर है, जो मेरे जो देखने में गलती जो हुई उसे मैं कहूंगा पर्सनल एरर।